घर वालों की चिट्ठी पढ़कर राकेश और मूज हुए इमोशनल। बाकी कंटेस्टेंट को आया अपने परिवार की याद। जी हाँ, बिग बॉस द्वारा दिए गए नॉमिनेशन टास्क की वजह से आज 3 हफ्ते बाद मुस्कान और राकेश को मिला अपने घर वालों की चिट्ठी पढ़ने का मौका, जिन्हें पढ़ते ही दोनों के आंखों से निकल आए आंसू। दोनों हो गए इमोशनल। दरअसल बिग बॉस द्वारा दिए गए नॉमिनेशन टास्क में कनेक्शन में कोई एक ही सदस्य अपने परिजनों की चिट्ठी पढ़कर खुद को इस हफ्ते के नॉमिनेशन से कर सकता था सेफ। अब बिग बॉस के ये बताने पर कनेक्शन बने निशांत मूस में, निशांत ने मूस को सेफ किया और समिता राकेश में समिता ने अपनी चिट्ठी फाड़ कर राकेश को सेफ किया। हालांकि अक्षरा मिलिंद ने अपनी आपसी सहमति से अपनी ही चिट्ठी खुद फाड़ दी, जिसकी वजह से दोनों में से किसी को ये मौका नहीं मिल पाया कि वो अपने परिवार की चिट्ठी पढ़ पाए। पर मूस और राकेश को अपने कनेक्शन की वजह से मिल गया अपने फैमिली की चिट्ठी पढ़ने का मौका, जिसे पढ़ते ही मूस और राकेश हो गए इमोशनल। मूस तो रोने लगी फूट फूट कर, कहा अपने मम्मा को मिस यू, कि आपने बेस्ट फ्रेंड दिया को याद। अब मूस को रोते देखकर बाकी बचे घर वाले हो गए इमोशनल, आने लगी उन्हें अपने घर वालों की याद। तो वहीं राकेश के इमोशनल होने पर शमिता ने दिया उनका साथ, जिस दौरान राकेश ने समिता को कहा थैंक यू। वेल ऑफ बिग बॉस कैसे और किस तरह घर वालों को फिर से देते हैं उनके परिवार से बात करने का मौका, ये देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग। बिग बॉस OTT से जुड़ी इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। देखते रहिए हमारे चैनल को और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।